घोषणा पत्र और संकल्प पत्र बाद में प्रस्तुत होगा। आज हम केवल इनका परिचय पढ़ रहे हैं कि हमने इनको क्यों किया, और ये इससे पहले भी महेश कुमार जी ने किन किन दायित्वों का निर्वहन किया। क्या मुझे पिछले कई वर्षों से जो नगर पालिका में जो कई ऐसे काम हो रहे हैं जिनको नहीं होना चाहिए, निश्चित रूप से अगर हम लोग आते हैं तो हम उसकी ऑडिट कराएंगे पहली बार। दूसरा ये कि जो आज तक नगर पालिका क्षेत्र में नहीं है, जिसकी आवश्यकता जो है वो बच्चों को है, नौजवानों को है, बुजुर्गों को है, उन आवश्यकताओं को हम पूरा करने का प्रयास करें। मेन बात है, हमने जो है यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस को रोकना है। राष्ट्र पार्टियों ने राष्ट्र पार्टी कह कह के जो है इस उत्तराखंड का जो है बहुत नाश कर दिया है। आज हमारे उत्तराखंड में इतना इतनी बेरोजगारी इतना प्रहण हो चुका है कि आज हमारे गांव में जाइए माँ बेटे का आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि गांव को खाली हो गए हैं, क्योंकि इनमें कोई नहीं दे रहे हैं कि महेश पवार जी यूकेडी जी निकले हुए नेता हैं। आज भले वो आज लोक मोर्चे में हमारे माननीय सुरेंद्राम नड्डा जी के साथ में हैं, उनकी पार्टी में है, लेकिन हमारा समर्थन जो है बिल्कुल श्री महेश पवार जी को है। और हमारे प्रत्याशी भी जो है हमारे प्रत्याशी भी श्री संतोष सिम्हा जी थे, लेकिन उनके माता जी का देहावसान हो गया, इसलिए वो नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए हमको मजबूर होकर जो है मजबूर नहीं इसलिए हमको हमने देखिए पहले हमने यहाँ पर जिला स्तर पर लोक संघर्ष मोर्चे का निर्माण किया था, उसका गठन किया था, लेकिन बदलने का सवाल नहीं है। अब तो ये बृहद रूप हो गया, इसका बड़ा आकार हो गया। पहले केवल उत्तरकाशी जिले में लोक संघर्ष मोर्चा था, अब पूरे उत्तराखंड में उत्तराखंड जनता मोर्चे के नाम से गठन हुआ, और उसमें बहुत लोग उसमें जुड़े, क्योंकि पहले तो एक ही डिब्बा था, अभी रेल बन गई है, इंजन भी लगे, डिब्बे बहुत जुड़े। ये बदलना नहीं है, तो बृहद रूप हो गया, और ये हमारा सौभाग्य है कि उत्तराखंड जनता मोर्चे में बहुत विभिन्न दलों के लोगों ने अपने दल को ठोकर मार के इसमें सम्मिलित हो गए, और लगभग 17 लोग हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा, वो सब लोग इसमें हैं। और आज भी उत्तरकाशी में जो लोक संघर्ष मोर्चा था उसको हमने उत्तराखंड जनता मोर्चे में विलीन कर दिया है, और उत्तरकाशी नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में हम लोगों ने उत्तराखंड जनता मोर्चा में श्री महेश कुमार जी को यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में उतारा है। और मुझे भरोसा है कि उत्तरकाशी की जनता, नगर की जनता, नगर पालिका क्षेत्र की जनता, प्रबुद्ध जनता ये नीर और क्षीर का विवेक लेकर के देखेंगे कि कौन सा सेवक आपकी सेवा कर सकता है। निश्चित रूप से आपके दल ने अन्य जगहों पे भी अपने अपने प्रत्याशी उतारे। हाँ, मेरे जो मोर्चे के जो मेरे सहयोगी लोग हैं विभिन्न क्षेत्रों में हम प्रत्याशी उतार रहे हैं, और जहाँ प्रत्याशी हमें बहुत संघर्षशील वाला नहीं मिल रहा, वहाँ जो निर्दलीय है, जो कांग्रेस और बीजेपी के छक्के छुड़ा सकता है, पसीना निकाल सकता है, उसको हम चुनाव उतार रहे हैं। और इस समय हम जीतेंगे, और जहाँ जहाँ हम ये समझते हैं कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, वहाँ हमारा काम रहेगा कि भाजपा और कांग्रेस के लोगों को हरा।